नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ज्ञान सागर। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे सफ़ेद दाग यानी वटीलिगो, जिसे हम ल्यूकोडर्मा के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपके शरीर को की जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं वह प्रभावित होती हैं, स्वस्थ कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं और यह बीमारी का जो क्रम है बेहद ही परिवर्तनशील है, बहुत ही आगे बढ़ता जाता है। यह एक त्वचा का रोग होता है। दुनिया भर में लगभग 0.5% जो है आबादी इस रोग से यानी विटीलिगो से प्रभावित है, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो लगभग 9% आबादी इस रोग से प्रभावित है। देश में यह बीमारी एक कलंक के रूप में देखा जाता है। विटीलिगो किसी भी उम्र में हो सकता है और विटीलिगो के आधे से ज़्यादा मामले 20 साल से कम उम्र में ही शुरुआत हो जाते हैं, जबकि 95% तक के मामले 40 साल या उससे कम उम्र में ही शुरुआत इसके होते हैं। विटीलिगो के जागरूक अभियान गवर्नमेंट को चालू करने चाहिए, इसकी रोकथाम हमें करनी चाहिए। विटीलिगो एक प्रकार का, जैसे हमने बताया, कि त्वचा यानी स्किन का रोग है, जिसे हम ल्यूकोडर्मा के नाम से भी जानते हैं। इसमें शरीर के स्वस्थ कोशिकाएं इफ़ेक्ट होती हैं। इस बीमारी का क्रम बेहद ही परिवर्तनशील होता है। कुछ रोगियों में घाव हो जाता है स्किन पर और बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, जबकि कुछ मामलों में यह रोग बहुत तेज़ी से बढ़ता है और कुछ ही महीनों में पूरे शरीर को ढक लेता है। वहीं कुछ मामलों में त्वचा का रंग खुद ब खुद पुनर्निर्माण भी हो जाता है। दोस्तों, ये विटीलिगो की एक सामान्य हमने जानकारी दी। अब हम आप इसके टाइप बताते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं ये। दोस्तों, सफ़ेद दाग दो तरह के होते हैं। पहला होता है गैर खंडयुक्त सफ़ेद दाग, जिसे हम बोलते हैं नॉन सेगमेंटल विटीलिगो, और दूसरा होता है खंडयुक्त सफ़ेद दाग, जिसे बोलते हैं सेगमेंटल विटीलिगो। दोस्तों, सफ़ेद दाग यानी विटीलिगो रोग से जो प्रभावित लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी नीरस हो जाती है, उनमें हीन भावना पैदा हो जाती है और उन्हें लगता है कि लोग उनसे दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि पूरा शरीर और स्किन जो है उसकी जो कलर है वह चेंज हो जाता है। इसमें एलोपैथिक और जो शल्य चिकित्सक होते हैं वो पद्धति इतनी कारगर नहीं होती है। विशेषज्ञ जो हैं, जानकार जो लोग कहते हैं कि इसमें हमें आयुर्वेदिक और जो घरेलू उपचार है वो बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। तो हम आपको आयुर्वेदिक और घरेलू उपचार ही बताएंगे जिससे कि आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। उससे पहले हम जो है गैर खंडयुक्त सफ़ेद दाग यानी नॉन सेगमेंटल विटीलिगो को समझते हैं। यह एक सामान्य प्रकार होता है और जो जितनी भी बीमारियां होती हैं, मतलब विटीलिगो के जितने भी केस होते हैं, उनमें 90% मामले यही होते हैं। इसमें दाग अक्सर दोनों हिस्सों में समान दिखाई देता है, कुछ समरूपता के साथ, जो ज़्यादातर सूर्य जैसे चेहरे, गर्दन और हाथों पर होते हैं। दोस्तों, इसमें कोहनी, आँख, घुटने, पैर का पंजा, मुंह, बगल, नाक, नाभि, गुदा, यह दाग अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, गैर खंडयुक्त आगे अनेक श्रेणियों में बढ़ जाता है, लेकिन इसके प्रकार हैं सामान्यकृत दाग, अट्रोफसिल दाग, मुकासल, सार्वभौमिक दाग और फोकल दाग। ये कुछ श्रेणियाँ हैं, कुछ पार्ट हमने इसके बताए। और सेगमेंटल विटीलिगो के बारे में बताते हैं, यानी खंडयुक्त सफ़ेद दाग। यह अलग अलग हिस्सों या वर्गों में बटा हुआ रहता है। खंडयुक्त दाग जो है बहुत तेज़ी से फैलता है, लेकिन इसे गैर खंडयुक्त दाग के से स्थिर और कम अनिश्चित माना जाता है। यह बहुत कम होता है और केवल 10% लोगों को ही यह प्रभावित करता है, लेकिन ध्यान रखें, यह बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है, जिसका प्रतिशत लगभग 30% या इससे ज़्यादा है। यह सामान्यतः रीढ़ की हड्डी या उसके आसपास होता है। दाग का मुख्य लक्षण त्वचा के रंग के विपरीत गंदे धब्बे या घाव, आमतौर पर यह पहले सूर्य उगता है उस पर उस प्रकार का रंग होता है। यह ज़्यादातर हाथ, पैर, चेहरे और होठ पर दिखाई देता है। मुंह के अंदर त्वचा के रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। समय से पहले बालों का सफ़ेद हो जाता है, बालों सफ़ेद हो जाते हैं और धब्बे बन जाते हैं, सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं। यह दाग त्वचा वर्णित हानि है, जो आपकी त्वचा पर दूधिया और सफ़ेद धब्बे जो है वह उजागर कर देता है। आपकी आँखों के आंतरिक परत का रंग भी परिवर्तन होने लगता है।
यह रोग 20 से 30 वर्ष की आयु में लगभग आमतौर पर दिखाई देता है, परंतु इसके बाद भी यह रंग हो जाता है। दाग रोगी को ज़्यादा परेशान नहीं करता है, परंतु कभी कभी स्किन पर खुजली चलने लगती है। जैसे जैसे समय बढ़ता है, इस दाग के जो है साइज भी बढ़ने लगती है, आकार बढ़ता है, और इसका अगर समय पर इलाज नहीं होता है तो इसका आकार बढ़ने लगता है। दोस्तों, ये तो हमने आपको टाइप बता दिए, दो टाइप बता दिए आपको सफ़ेद दाग के। अब हम आपको बताते हैं कि सफ़ेद दाग के कारण क्या होते हैं। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अगर कमज़ोर होती है, एंटीबॉडी नहीं होती है, तो उसके कारण ये प्रॉब्लम आती है। खाने में प्रोटीन पदार्थों का अगर अभाव रहता है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। फंगल संक्रमण जो होता है, दाद, खाद, खुजली के कारण भी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसके अलावा तनाव और चिंता के कारण भी कई बार ये रोग हो जाता है। कुछ रसायनों के संपर्क में कुछ केमिकल अगर इफ़ेक्ट करते हैं तब भी ये रोग हो जाता है। और इसके अलावा एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि आनुवांशिक ये रोग हो, पारिवारिक कारणों के कारण भी पीढ़ी दर पीढ़ी ये रोग आगे बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये हमने कुछ कारण आपको बता दिए कि ये रोग क्यों होता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि सफ़ेद दाग का इलाज क्या है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों एक आयुर्वेदिक दवाई आती है ल्यूको स्किन, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर उसका इस्तेमाल करने से पहले आप एक बार आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह कर लीजिए, जिससे कि आपको आसानी रहेगी। तो दोस्तों, हमने आपको आज बताया कि इसके बारे में एक सामान्य जानकारी दी सफ़ेद दाग के बारे में, इसके कारण क्या हैं वो आपको हमने बताया, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमने आपको बताया, और आपको एक आयुर्वेदिक दवाई ल्यूको स्किन के बारे में भी बताया। दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए और आप आयुर्वेदिक दवाई घर पर कैसे बना सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, और घरेलू उपचार भी बताएंगे जिसके कारण आप बहुत आसानी से इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो इस समस्या से परेशान हैं, कम से कम इस वीडियो को वहाँ तक शेयर करें, वहाँ तक पहुँचाएँ। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद दोस्तों।